अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं जिस चैनल का रिव्यू लेके आया हूँ ये रीड एसेट है, क्योंकि ये बंदा जो है ना वो हमेशा ही फेक वीडियो और गलत वीडियो बनाता है और बहुत ज़्यादा फेक लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है और दिखाता है कि ये चुड़ैल, ये फलां। अब ये आया है एक दरख्त के पास, कहता है जी यहाँ पर एक चुड़ैल है जो बच्चों की बलि देती है और तो यहाँ पर ये कैप्चर करने आया हुआ है और आप इसकी वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बंदा फेक है कि सच है। तो इसके चैनल पे बड़ा पड़ा है वीडियो जो सारी की सारी झूठी वीडियो और फेक वीडियो और उनमें कोई सच नहीं है। तो ये जो चुड़ैल भी बनाता है ना, ये इनका अपना बंदा है, सागर ब्लॉग वाला है, तो वो चुड़ैल इनकी बनता है। तो इसकी वीडियो देखें तो फिर बात करते हैं। ये जी रेसेट एम की वीडियो है और जब भी वे वीडियो बनाता है ना तो फेक ही बनाता है। तो ये देखें, ये आप दरख्त के नीचे आया हुआ है और मैंने आपको बताया कि ये कहता है जी यहाँ पर कोई चुड़ैल है जो बच्चों की बलि देती है और ये उसको कैप्चर करने आया है। तो फेक वीडियो टोटल। अब इसके जो कुत्ते की तरह हांकता है, ये इसका फेस देखें, इसकी सांस देखें कैसे चलती है, टोटल जो है ना वो फेक। अब ये ड्रामे करेगा, बहुत ज़्यादा ड्रामे करेगा। ये देखें कि ये अब वो लटक रही है जी, नीचे लटक रही है, कहाँ लटक रही है, नज़र आ रही है आपको? ठीक है, अब ये मैदान की तरफ, ये देखें कौन है, कहाँ है, क्या है। अब इसने वो बंदा बिठाया हुआ है, तो वो बंदा भी जो है ना वो देखे सामने काले लिबास में, तो बंदा पता क्या होना है, वो इसका साथी है, तो वो भी चैनल वाला है, वो उसका सागर ब्लॉग के नाम से चैनल है। तो वो जो सागर है ना वो इनकी चुड़ैल बनी हुई है, वो देखें वो इनकी चुड़ैल है। अब देखें दूर से इस इतनी अंधेरे में इसको ये नज़र आ गया कि वो खून का दायरा उसने लगाया। देखें आप, अभी दायरा लगाया भी नहीं है, वो थोड़ा सा खून है और खून का नज़र आ गया इसको। अब ये आगे वो निकल जाएगा आगे, तो ये आगे जाकर देखेगा तो दिखाएगा ये खून पड़ा है जी। ये देखें, वो देखें, वो दरख्त की तरफ जा रहा है और ये उसके पीछे, ये देखें ये दायरा लगाएगी, दायरा खून का है, नहीं ना खून का, ये देखें वो दरमियान में ही सिर्फ खून नज़र आ रहा है या थोड़ा थोड़ा साइडों पे नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा फेक वीडियो बनाता है, बहुत ज़्यादा फेक वीडियो बनाता है जी। जनाब इसका शोर सुने पीछे क्या कर रहा है, ये देखें, ये देखें, अब इसको कैमरे का होश है, ये देखें ये खून ऊपर वो कलर इसने ऊपर अपने ये डाल लिया आप चेहरे पर, ये देखें उस इंसान के पास कलर था जो इसने अपने चेहरे पे डाला है, इसके चेहरे पे उसने कलर डाल लिया। ये देखें इसको, ये देखें कैमरा नहीं छोड़ रहा, वो कैमरा नहीं पकड़ रहा इसका, उसको जो चाहिए ना पहले कैमरे को पकड़े और कैमरा दूर फेंक दे। ये देखें इसको, ये होश है कि मैं कैमरे की तरफ देख कर वो खून खून, ये देखें ये नीचे देखें खून ऐसे नज़र आता है, ये सारा रंग है, ये गर्दन पर देखें, गर्दन पर आपको साफ पता चल रहा है कि ये रंग है, खून नहीं है। वो बेवकूफ़ी होंगे जो इसकी वीडियो का एतबार कर लेते हैं, इसकी वीडियो टोटल फेक होती है। तो आपने वीडियो देखी तो कैसे ये हांकता है और ऐसे हांकता है कि जैसे कि ऐसे जो जब कोई चीज़ सामने आती है ना तो इंसान का ये हाल नहीं होता, इंसान या तो भाग जाता है और वहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जाता जहाँ पर ये खड़ा रहता है। तो ये अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बहुत बहादुर हूँ और कैप्चर कर रहा हूँ, तो और कैमरा भी फिर दोबारा ये बात है कि अगर कोई चुड़ैल सामने आ जाती है ना तो उसकी जरूरत नहीं होती इंसान की कि उसको कैप्चर कर सके, और फिर भी ये अकेला कहता है कि मैं अकेला आता हूँ, हालांकि ये अकेला नहीं होता, वो चुड़ैल जो बना हुआ है ना वो इसके साथ होता है और वही सब कुछ ये काम वही करते हैं, कभी वो कैमरे के पीछे चला जाता है, कभी कैमरे के आगे आ जाता है,
और सब कुछ आपने देखा, वो काले लिबास में मैदान में अब इसको पकड़ता है, इसके इससे वो कुश्ती करता है और इसको नीचे गिरा देता है, तो ये कैमरा नहीं छोड़ता क्योंकि कैमरा पकड़े रखता है कि जब किसी को कोई चीज़ सामने आ जाती है ना, तो कैमरा इंसान के हाथ से जेन में ये नहीं रहता कि मैंने करना क्या है, तो ये कैमरे को नहीं छोड़ता। ये आप देखें कि इसने कैमरे का फोकस रखा है और अपनी तरफ ही रखा है, तो ये इसकी भूल है कि इंसान कोई पकड़ नहीं सकता मुझे। तो ये इसकी दूसरी वीडियो देखें, देखें जी दोस्तों, ये इस इंसान की हरकतें देखें, ये देखें, ये खून नहीं है, ये पानी है और रंग इस्तेमाल किया गया है इसमें, ये देखें, इसका कैमरा नहीं छूट रहा। इस किस्म का कोई हो ना तो कैमरा छूट जाता है हाथ से कैमरा छूट जाता है। इस तरह की कोई सिचुएशन बनी हो, कोई इस तरह का सीन बना हो तो ये कैमरा छोड़ रहा है, नहीं ना छोड़ रहा। तो जब ये कैमरा नहीं छोड़ रहा तो आपको खुद को पता चल जाएगा। तो ये देखें, ये इस तरह काम होता है क्योंकि उस आदमी को, उस इंसान को अपने आप की होश नहीं रहती। जब जो कोई चीज़ सामने आ जाए ना तो उस इंसान को अपने आप की होश नहीं रहती, तो इसको सारा पता है कि मैंने कैमरा नहीं छोड़ना और सब कुछ ऐसे ही बातें करनी है, ऐसे ही सब कुछ करना है। तो ये इंसान कितना बेवकूफ़ है और पूरी दुनिया को ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये देखें, ये साफ पता चल रहा है, ये रंग है, ये इसकी गर्दन पर देखें, देखें नाक पर देखें, ये साफ पता चल रहा है। खून का रंग ऐसे होता है, खून जिस जगह गिरता है वहाँ पर जम जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि खून जम जाता है जिस जगह पर भी गिरता है। तो ये रंग साफ नज़र आ रहा है, साफ तौर पर नज़र आ रहा है, ये इसने कलर रंग इस्तेमाल किया गया है। कैसे कैसे इंसान है यूट्यूब पर जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इंसान तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाता है क्योंकि ये फेक वीडियो बनाकर अपलोड करता है। कभी भी इसने सच्चाई पर मबनी वीडियो नहीं बनाई है, जब भी बनाई है टोटल फेक वीडियो बनाई है। ये देखें, अब इसके ड्रामे देखें, कलर इस साफ नज़र आ रहा है, गर्दन पे साफ साफ कलर नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, तो फिर भी इसको असर नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा फेक। ये दोनों भाई हैं, तो अगली वीडियो तो आपने इसकी दूसरी वीडियो देखी, तो इसके गले पे खून, जब ऊपर उठा था गले पे खून, चेहरे पे खून, खून नहीं था वो रंग था। इस जगह गर्दन से ना वो साफ नज़र आ रहा है कि ये कलर है, रंग है जो इसकी गर्दन पे लगा हुआ है, क्योंकि खून जो होता है ना वो मोटा मोटा सा होता है, पतला नहीं होता, तो ये साफ नज़र आता है कि ये इसने कलर लगाया हुआ है। और फिर भी ये, हालांकि चोट इसको ज़रा भी नहीं आई, तो खून कहाँ से निकल आया? अगर चोट आती तो खून निकलता ना, तो चोट इसकी ना सर पे नज़र आती है, ना गर्दन पे नज़र आती है, किसी जगह पे इसको चोट नज़र नहीं आती, तो फिर इसका खून पता नहीं कहाँ से आ जाता है और कहाँ से आ गया है। तो ये झूठी वीडियो है, अब पता नहीं लोग इसको क्या कमेंट करते रहते हैं, और कमेंट इसको करते भी हैं कि तूने भैया ये तू झूठी वीडियो बनाकर सबको बेवकूफ़ बना रहा है, तो ये इसको फिर भी ये बाज नहीं आता। तो अल्लाह ताला इसको हदायत दे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी जुबान में रखे, अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ काज पूरी करे। फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा, अल्लाह हाफिज़।